ये एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है अर्थ क्वैक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड है फाइव डिग्री नॉर्थ टू साउथ ये जो है दिस इज कॉल्ड बेल्ट बेल्ट ऑफ काम और डोलड्रम्स फाइव डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जीरो डिग्री इक्वेटर वेस्टर्ली विंड्स होती हैं फोर्टी डिग्री फिफ्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री सदर्न हेमस्फेयर में इनको फ्रिक्शन नहीं मिलता है तो ये बहुत स्पीड से फ्लो करती है दैट इज़ वाई रोअरिंग फोर्टीज फ्यूरियस फिफ्टीज़ एंड स्ट्राइकिंग सिक्सटीज इनको कहा जाता है देन रिवर रावी ओरिजिनेट होती है रोहतांग से और ट्वेल्व नोटिकल माइल है दिस अंकलॉस थ्री का टेरिटोरियल वाटर जर्नी टेरिटोरियल वाटर दिस डिस्टेंस कोस्ट लाइन से सो दीज आर आंसर ऑफ यर स्टडीज क्वेश्चन आज के सवाल है आज के सवाल है हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर टू गेट परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू बिल्ड फैक्ट्री फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी सेकेंड क्वेश्चन है द बैटल द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में जो हुआ था ये किन दोनों के बीच में लड़ा गया था Who wrote द बायोग्राफी ऑफ अकबर अकबर नामा बुक ऑफ अकबर कबीर वॉज अ डिसाइपल ऑफ होम एंड गायत्री मंत्र इज written इन विच वेदा विच बैटल कौन सी लड़ाई गेव ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू कलेक्ट ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज के वोकेबुलरी वर्ड्स हैं ऑकल्ट ऑकल्ट का मतलब होता है वो बहुत मिस्टिकल है सुपर है जेपरडाइज का मतलब होता है एंडेंजर करना किसी चीज को किसी पर्सन को दैट इज जेपरडाइज इनोक्यूस है दैट इज इनोसेंट है हार्मलेस है फ्रूगल इंडियंस होते हैं ये फ्रूगल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं इकोनॉमिकल जैसे आई एस आर ओ कम पैसे में बहुत अच्छा काम करता है अपराइज अप्राइज मतलब टू इन्फॉर्म और नोटिफाई

टेरर इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप दिस इज़ अगेन फैब्रिक मैप ऑफ इंडिया कांचीपुरम न्यूज़ में है आज हम टूरिज्म के बारे में जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर एज वेल दिस इज़ एन जी ओ सेफ वर्क एनवायरमेंट दिल्ली अंडर माइंड दिस इज दिल्ली अंडर माइंड जो नया अभी बिल पेश हो रहा है दिस लोकसभा में दिस इज चेसिंग पीस रशिया एंड मॉस्को द मैसेज इन अलास्का वॉशिंगटन टू बीजिंग ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ डेवलपमेंट हो रहा है

दैन यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इंडिया में है दिस इज वेटलैंड और ये है अबाउट निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन सोल्यूशंस एड सी सेट के यस्टर्डेज क्वेश्चन और आज के सवाल सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट दिस इज द हिंदू दिस इज चेन्नई एडिशन एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस दैली एडिशन अवर रेफरेंस मटेरियल सो सी ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज है दिस इज अबाउट स्टेट रेजोल्यूशन ऑन सेंट्रल लॉज आर फाइन स्टेट रेजोल्यूशन ऑन सेंट्रल लॉज आर फाइन सी यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर सेंटर एक नियम बनाता है और उसके काउंटर में स्टेट भी एक नियम बना लेता है एक लॉ बनाता है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास वो लॉ बनाने की पावर नहीं है इन अ वे ये बता रहा है कि स्टेट भी अपने व्यू पॉइंट्स वहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है सो इट इज़ द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी से केरला का एग्जाम्पल है दे हैव नॉट टोल्ड पीपल टू डिसोबे सर्टन लॉ सो दिस इज विद इन लॉ तो मेयरली ओपिनियंस दे डोंट हैव फोर्सेज ऑफ लॉ मेयरली ओपिनियंस दे डोंट हैव फोर्स ऑफ लॉ सी इंडिया में हमारा यूनिटरी टेंडेंसी भी है और फेडरल टेंडेंसी भी है यूनिटरी टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा है टिलटेड टूवर्ड यूनिटरी है सेंटर है सेंटर लॉज बनाता है सेंट्रल और कॉन्करेंट सब्जेक्ट में स्टेट लॉज बनाता है स्टेट और कॉन्करेंट सब्जेक्ट में सेंटर और स्टेट जो लॉज बनाते हैं अगर सेम सब्जेक्ट में और लॉज डिफरेंट है प्रोड्यूसिंग डिफरेंट रिजल्ट्स तो वहाँ पे लगता है डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी में ये होता है कि सेंटर्स का जो लॉ है वो प्रिवेल होगा ओवर स्टेट्स लॉ सो ये मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस में सो दिस इज बिकॉज डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट अब जैसे डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है ये फेडरल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमने एक सेंटर लिस्ट बना दिया एक स्टेट लिस्ट बना दिया और एक कॉन्करेंट लिस्ट बना दिया सेंटर लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली स्टेट के हैं फिर कॉन्करेंट फिर स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं वो एक्सक्लूसिवली से स्टेट के हैं और फिर कॉन्करेंट में है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सातवीं अनुसूची पर एक नोट तैयार करें अब आप इसमें आप लिख सकते हो कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं सेवन जो सेवन शेड्यूल है स्टेट कॉन्करेंट और दिस सेंट्रल लिस्ट में ये कॉन्सेप्ट है हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है कि डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स हो अमेंडमेंट्स क्या इसमें कभी हुए हैं क्या कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्ट लिस्ट में ट्रांसफर हुए थे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस टाइप के क्लैशेज में सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे फाइव स्टेट अकाउंट्स हैं फॉर स्टेट्स के अकाउंट फॉर एट्टी परसेंट ऑफ न्यू इन्फेक्शन ये पांच स्टेट्स ऐसे हैं जहां से ज़्यादातर नंबर ऑफ कोविड के केसेस आ रहे हैं नो रिस्पाइट यहां पे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है सी नंबर अचानक से तेजी से ऊपर बढ़ रहा है इनाक्यूलेशन ड्राइव जरूरी है ये कहा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने फ्राइडे को कहा एफिकेसी और सेफ्टी ऑफ कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन के लिए इनक्यूलेशन ड्राइव इज इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट देन ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट टेरर बिगेस्ट हर्डल है टू इंडो पाक रिलेशनशिप इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में टेररिज्म इज़ अ बिग थिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दिस दे गेट फंडिंग फ्राम पाकिस्तान दे गेट सपोर्ट फ्राम पाकिस्तान एंड दे इनफिल्ट्रेट इन अवर बॉर्डर एंड कॉस दिस टेररिज्म तो टेररिज्म बिगेस्ट हर्डल है टू इंडो पाक रिलेशनशिप पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि इंडिया को ईजी नहीं होना चाहिए इंडिया मस्ट नॉट गो सॉफ्ट बिकॉज अभी पाकिस्तान के चीफ आर्मी चीफ ने ऑफर किया है यहाँ पे कि लेट्स मूव फॉरवर्ड बट पॉइंट ये है पाकिस्तान में जो पावर है वो किसी एक हाथ में नहीं होती पाकिस्तान में मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं एक वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसका डायरेक्शन अलग होता है फिर वहाँ पे आर्मी होती है जिसका डायरेक्शन अलग होता है फिर वहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं इनका डायरेक्शन अलग होता है फिर यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है सो द प्रॉब्लम इज़ देर इज़ नॉट वन पावर सेंटर देन वर्ड्स और एक्शन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे सो दिस इज़ द सेकेंड न्यूज़ फॉर टूडे थर्ड न्यूज़ फॉर टूडे देन दिस इज़ ई सी आई तृणमूल दैन नामिनेशन रिसिव्ड और ये फ्रंट पेज है द हिंदू का लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज दिस इज अबाउट सीकिंग इम्पैटस फॉर टूरिज्म टूरिज्म बढ़ाने के लिए यहाँ सपोर्ट चाहिए एंड द सिल्क वीविंग इंडस्ट्री सिल्क वीविंग इंडस्ट्री फैब्रिक सिल्क ये बात किया है कांचीपुरम का वेर इज कांचीपुरम दिस इज कांचीपुरम ये कांचीपुरम है कांचीपुरम कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ये कांचीपुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ पे बात है सिल्क वीविंग इंडस्ट्रीज को इम्पैटस चाहिए बेनिफिट उनको कुछ प्रोवाइड करें फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी फैब्रिक मैप ऑफ इंडिया कुछ दिन पहले हमने देखा था प्रिलिम्स में इसमें रिलेटेड डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं ये जैसे पश्मीना है पश्मीना कहाँ पर है दिस जम्मू एंड कश्मीर ये फुलकारी है ये कुल्लू शॉल है ये पंचा चुली वीव है ये चिकनकारी यहाँ यूपी में मिलती है देन ये भागलपुर का सिल्क है ये लेपचा आर्ट है दिस इज लेपचा यहाँ मूगा सिल्क है ये अपत्नी है दिस इज अरुणाचल में अपत्नी फिर यहाँ नागाशॉल है दिस इज फनेक ये पुआंस ये पछरा दिस इज एरी सिल्क मेघालय एरी सिल्क देन ये जामदनी है वेस्ट बंगाल कुचाई सिल्क सिंबलपुरी, सिंबलपुरी, ओडिशा ये अब चंदेरी यहाँ पर है दिस इज कोसा पोचमपल्ली कलमकारी कांजीवरम सिल्क दिस इज कांजीवरम सिल्क ये कसावू मैसोर सिल्क मैसोर कर्नाटका कुनबी पैथनी ये बंधनी है गुजरात दिस इज शीशा दिस इज़ पंजावी तो ये कुछ नाम है फैब्रिक मैप है इंडिया का फैब्रिक मैप ऑफ इंडिया सो so, दिस इज कांचीपुरम दिस इज़ कांचीपुरम कांचीपुरम दिस इज़ कांचीपुरम सिल्क वीविंग इंडस्ट्री इनको एम्पेटस एम्पेटस की ज़रूरत है और टूरिज्म को भी ये एज अ टूरिज़म डेवलप करने की बात कर रहे हैं दिस सिल्क इंडस्ट्री टूरिज़म के बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं टूरिज्म एक तो रेगुलर टूरिज्म होता है कि हम गोइंग टू न्यू प्लेसेस एंड सीनिंग दिस जोग्राफी ब्यूटी एट्सेट्रा सेकेंड मेडिकल टूरिज्म हो सकता है थर्ड इकोनॉमी इकोनॉमी टूरिज्म हो सकता है फोर्थ जैसे कुछ दिन पहले जेल टूरिज्म हमने देखा था महाराष्ट्र में जेल टूरिज्म है देन दिस इज़ लाइक फैब्रिक टूरिज्म देन थीमेटिक मैप्स हो सकते हैं आर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर रिलीजियस थीम्स एंड सर्किट्स हमने बना रखे हैं तो देर आर वेराइटी ऑफ टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म इज ऑल्सो वन थिंग सो टूरिज्म जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट मेन स्टे होता है इकोनॉमी का एक गुड सोर्स होता है फॉरेन इनकम फॉरेन दिस रेवेन्यू जनरेट करने का बिकॉज टूरिस्ट बाहर से आते हैं इंडिया में आते हैं इफ़ दे आर स्पेंडिंग सम थिंग दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन जी ऑफ इंडिया सो टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर दिस लाइवलीहुड अब यहाँ एक आगे न्यूज़ और भी है मोर टूरिस्ट विजिटिंग कश्मीर कश्मीर जो है कश्मीर ज्योग्राफिकली ब्लस्ड है ज्योग्राफिकली ब्लस्ड है ज्योग्राफिकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर सो ऑल ओवर इंडिया एंड अक्रॉस दिस वर्ल्ड से भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ की इकोनॉमी को हेल्प मिलता है इम्पेटस मिलता है तो यहाँ मिनिस्टर से इज डोमेस्टिक विजिटर सपोर्टेड इंडियन टूरिज़म इन पेंडेमिक टाइम्स सो दिस इज़ टूरिज़म टूरिज्म में अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट में जाए ना तो यहाँ कुछ ऐसे थीम्स भी दिए हुए हैं जैसे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स होने चाहिए ट्रैवल ट्रेड होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए पब्लिसिटी होना भी बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट बट यू डू नॉट हैव पब्लिसिटी एंड प्रमोशन सो ओवरसीज मार्केटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट तो इससे क्या एक ब्रांड बनता है जैसे हमारे यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया हमने ब्रांड बना रखा है इन क्रेडिबल इंडिया का ट्विटर हैंडल भी आप देखिए बड़े अच्छे उसमें दिस इवेंट्स एंड ऑल मेंशन होते हैं इनक्रेडिबल इंडिया तो ओवरसीज़ मार्केटिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स होना भी ज़रूरी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक नीच टूरिज़्म होता है नीच मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूरिज्म है से एडवेंचर टूरिज्म का कोई नीच है एटसेट्रा जैसे अभी स्नो स्नो, स्नो का अभी यहाँ पे फेस्टिवल हुआ था और इससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई थी तो गुलमर्ग में सो दिस इज़ टूरिज्म नाउ टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट जो है जी की काफ़ी अच्छा उसमें कंटेंट है और कोविड नाइन्टीन हुआ तो ह्यूमैनिटेरियन जो प्रॉब्लम आया इसमें टूरिज्म और सर्विसेज सेक्टर बहुत ज़्यादा हेम्पर हुआ है टूरिज्म जैसे जो लोग हैं जब भी इकोनॉमी में डिफ़िकल्टी आती है तो सबसे पहले हम टूरिज्म और लेजर ऐसी चीज़ों पे पैसे कट करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट दिखता है दिस टूरिज़म सेक्टर में

Now दिस इज NGO introduces ओ इंट्रोड्यूजेज टूल किट टू प्रमोट workspace, स्पेस डाइवर्सिटी वर्क स्पेस में भी दिया हुआ है कि जहाँ हम काम जाते हैं पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में या फिर कोऑपरेटिव बनाने के लिए या वर्क स्पेस का जो वर्क एटमोसफियर है उसको हेल्दी एंड प्रोडक्टिव रखने के लिए दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड डिजायर्ड एन जी ओ इंट्रोड्यूजेज टूल किट टू प्रमोट वर्क स्पेस डाइवर्सिटी डायवर्सिटी मीन्स इफ यू यू आर वर्किंग इन अ टीम हर किसी का एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है उसका सोचने का तरीका अलग है काम करने का तरीका अलग है हो सकता है कस्टम्स बिलीफ एस्पायरेशंस डिफरेंट हो उसकी तो अगर टीम में हमें एक साथ मिलकर काम करना है तो वी नीड टू बी लिटिल बिट अकोमोडेटिव और ये जो डाइवर्सिटी है इसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए बिकॉज डाइवर्सिटी होती है तो नए आइडियाज़ आते हैं नई थॉट प्रोसेस आती है तो विच इज़ गुड बट वॉट वी नीड टू डू इज़ वी शुड फोर्स अ पर्टिकुलर थिंग ऑन एवरीबडी वी शुड encourage दिस diversity डायवर्सिटी इन workspace and second important thing थिंग इज सेफ्टी एंड safety सेफ्टी सिक्योरिटी security. Security होना ज़रूरी है जैसे जेंडर डाइवर्सिटी में भी हम देखते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए काम बराबर है तो पैसे भी बराबर दो अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ सभी को मिलना चाहिए ये नहीं कि ग्लास सीलिंग हो गया इसके ऊपर मैनेजमेंट में ऊपर रोल मिल ही नहीं रहा है रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ क्रिटिकल फॉर वेमेन एंड द क्वीर कम्यूनिटी टू हैव सेफ रेस्पेक्टफुल होम्स इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एट वर्क प्लेसेज जहाँ आप काम करने जाते हो टू हैव कल्चर एंड पॉलिसीज़ दैट एम्ब्रेस दैम दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जैसे वुमेन सेफ्टी में भी हमारे यहाँ विशाखा गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं फिर इससे रिलेटेड सर्टन प्रोविजन हैं कि वॉट वी शुड डू वर्क स्पेस को सेफ एंड सिक्योर प्रोडक्टिव एन्वायरमेंट बनाने के लिए दैन दिस इज द एडिटोरियल दिल्ली अंडर यह बात है अभी दिल्ली में जो बिल प्रेजेंट हो रहा है दिल्ली में एलजी को ही गवर्नमेंट बनाने का क्लियरली मार्क करने का यह बात है दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 इस बात पे सवाल उठे दिल्ली बिकॉज स्पेशल है दिल्ली यूटी भी है कंट्री का कैपिटल भी है तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली में वहां का चीफ मिनिस्टर भी होता है विधानसभा सत्तर सीट की विधानसभा है आर्टिकल दिस टू थ्री नाइन डबल एट एल जो होता है सेंटर उसे अपॉइंट करता है एल इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर का दिल्ली पर फुल स्टेट नहीं है एल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर लेके आता है तो एक तरफ तो चीफ मिनिस्टर है जिसे दिल्ली के लोगों ने चुन के बनाया है दूसरी तरफ एल है जिसको सेंटर ने अपॉइंट किया है तो देयर टू बी अ फाइन बैलेंस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 अभी आया तो यहाँ ये बात हुआ कि चीफ मिनिस्टर कॉम जो भी काम कर रहे हैं उसको एल के थ्रू करना पड़ेगा तो इससे तो इनकी ऑटोनॉमी सप्राइज हो जाएगी ऑटोनॉमी सप्रेस हो जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर जैसे गवर्नर नॉर्मल स्टेट्स में भी होते हैं सरकारिया कमीशन की बात करो पुंछी कमीशन की बात करो सेकेंड ए की बात करो हर किसी ने यही बोला कि जो गवर्नर है ना ऐसा नहीं कि वो वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है सीएम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको साइडलाइन करे हीज टू इधर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कॉम ही इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द डिसब्लिकैंड ये तीन चीजें हैं जो दिल्ली के गवर्नमेंट के पास नहीं है वाई बिकॉज दिल्ली इज अ कैपिटल दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी है बट इट इज समॉट इनकॉन्ग्रोअस फॉर अ टेरेटोरी जहां इलेक्टेड हाउस टू बी डिक्लेयर दोल डोमेन ऑफ द एल जी मतलब दिल्ली एक विधानसभा भी है यहाँ के लोगों ने चीफ मिनिस्टर चुना सत्तर विधायकों को चुना तो ये गलत होगा कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के दिस डिस्क्रिप्शन में ये जो डोमेन है वो वहाँ पे एक्सक्लूसिव हो जाए इलेक्टेड जो मैंडेट है उसको रेस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है बट एट द सेम टाइम एक फ़ाइन बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है बिकॉज़ यू इज़ कैपिटल यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एट्सेट्रा मेंटेन करना इज़ रिक्वायर्ड तो प्रोविजन है आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए का एम्पावर करता है एल जी को टू रेफर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द कॉम टू द प्रेसिडेंट इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो हर मैटर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ले आए इससे स्टैंड स्टिल हो जाता है गवर्नमेंट का वर्क और ये दोनों बहुत बड़ी पोस्ट है चीफ मिनिस्टर एंड एल जी तो क्लैश बिटवीन दीज टू फोर्स दीज टू पोस्ट इज अगेन नॉट एट ऑल गुड दैली अंडरमाइंड देन नेक्स्ट इज़ दिस चेजिंग पीस चेजिंग पीस तालिबान पीस की बात है रशिया मॉस्को में अफगान गवर्नमेंट और तालिबान बात कर रहे हैं बट अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी बोलते हैं यू एस लेटेस्ट एम्पायर है जो यहाँ से किसी तरह फेस सेविंग मेजर से निकलना चाहता है चेजिंग पीस द मैसेज इन अलास्का फ्रॉम वॉशिंगटन टू बीजिंग जितना भी हम आई आर की बुक्स पढ़ते हैं ना इसमें यू एस के जो थॉट्स हैं यू एस के थिंकर्स हैं ये बहुत डोमिनेट करते हैं अब वर्ल्ड वॉर वन भी देखो तो इसमें वुड्रो विल्जन और इन सब का काफ़ी ज़्यादा दिस डोमिनेंस था देन आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखो तो जैसे ब्रेटन वुड सिस्टम बना इन सब में मतलब इंटरनेशनल रिलेशन्स मतलब यू एस ए यू एस ए ही डिसाइड करता है दिस बट अब एक चैलेंज आ गया है बीजिंग अभी आई वॉज लिसनिंग टू दिस अलास्का मैसेज इन अलास्का में टॉक चल रहा है चाइना एंड यू एस ए का चाइना के जो डिप्लोमैट्स थे ना दे वर सो प्रिपेयरड और इन्होंने बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यू कैन से एफिशिएंटली इन्होंने यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे वन अप किया जैसे इन्होंने कहा यू आर नॉट इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ दिस स्टॉक ये बीजिंग के दिस पर्सन ने वॉशिंगटन के दिस ब्लिंकन को आई थिंक ये कहा दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट क्वाड पार्टनरशिप कुड माउंट अ काउंटर चैलेंज टू चाइना अब इसमें हम क्वाड के बारे में देखते हैं बट इंडिया स्टेप्स विल बी मोर नू मतलब बहुत बारीकियों से हम अपने बेनिफिट के हिसाब से काम करेंगे क्वाड में मैसेज बाइडन का ये है कि जैसे ट्रंप विड्रॉ कर रहे थे वर्ड से बाइडन अमेरिका इज बैक का मैसेज देना हैं, चाहते हैं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट काउंटर करना चाहते हैं चाइना को और इसमें तीन है ऑस्ट्रेलिया जापान और इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिकॉज चाइना और ऑस्ट्रेलिया में भी कोरजन रिलेशन नॉट वेल जापान में सैनकाकू आइलैंड रिलेशन नॉट वेल इंडिया के साथ अभी एल फेस ऑफ हो गया चाइना का तो चाइना ऑस्ट्रेलिया से भी टेंशन जापान से भी टेंशन इंडिया से भी टेंशन एंड यू एस ए तो उसको काउंटर करना चाहता ही है तो दिस इज अलायंस ऑफ ऑल दीज डेमोक्रेसी जिसमें कुछ सीज कॉन्स्टेंट है ऑफिशियली बोला गया कोविड नाइन्टीन है क्लाइमेट चेंज है और एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इन तीन सीज पे वर्क करेगा क्वाड इंडिया इज नॉट ओनली द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन अगर वैक्सीन की बात करें तो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हम बनाते हैं सप्लाई भी हम करते हैं तो वी हैव अपर हैंड गावी की ये जो कोवैक्स इनिशिएटिव है इसमें भी हम वर्क कर रहे हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसमें अब प्रॉब्लम आता है वैक्सीनेशन में हम चाहते हैं कि रिलैक्सेशन मिले ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड ड्यूटीज़ वगैरह में इससे क्लैशेज़ हो जाते हैं हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ वो इसको प्रमोट नहीं करते क्लाइमेट में ग्रीन क्लाइमेट फंड का एक बात है बहुत टाइम से ये फंड बनाने की बात है बट इसमें प्रॉपर फंडिंग नहीं आ पाती फंडिंग एसेंशियल है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बैटल विद क्लाइमेट चेंज के लिए देन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं थर्ड सी इंडिया का असिस्टेंस जरूरी है इंडिया को असिस्टेंस ज़रूरी है चाइनीज टेलीको कम्युनिकेशन इक्वमेंट हैं नए रिसोर्स फाइंड कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स ये रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मोनोपोली है चाइना के पास जैसे हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएंट सारे चाइना से आते हैं तो डिपेंडेंसी है तो क्वाड तो की जो टेक्नोलॉजी है उसको से जापान टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है यूएसए एडवांस्ड है दे नीड टू दिस कॉन्ट्रीब्यूट इंडिया का दिस वे इंटरनेशनल रूल मेकिंग में डिजिटल इकोनॉमी में डेटा लोकलाइजेशन में ये एक कलेक्टिव वॉक करना जरूरी है उषा ट्रैक डिक्लेरेशन जो हुआ था जी ट्वेंटी में इसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना जरूरी है तो ये तो हो गए थर्ड सी जो ऑफिशियली हमने बताया कोविड नाइन्टीन क्लाइमेट चेंज क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिसका बैकड्रॉप हैड एक फोर्थ सी भी है फोर्थ सी यू नो वॉट इट इज मोर एक्सपीडिचर मोर एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ़ दिस फोर्थ सी हमें एल एस सी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वाई बिकॉज फेस ऑफ हुआ है टू फ्रंट वॉर का हमें एक थ्रेड बना हुआ है बिकॉज एक दूसरा कंट्री भी है जो इस सी के साथ बहुत ज्यादा डिसक्लोज टाइज है मैरीटाइम वर्सेज कॉन्टिनेंटल का डिबेट स्टार्ट हो गया है मैरी टाइम मतलब समुद्र कॉन्टिनेंटल मतलब दिस लैंड तो कहाँ हम अपनी एनर्जी फोकस करें इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस फोर्थ सी सो so, ये कुछ पिलर्स है थीम्स हैं अंडर थीम्स अंडर करेंट हैं क्वाड के बट ऐसा नहीं है कि क्वाड में ये जो कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए हम इनके डिक्टेट्स पे चलेंगे इंडिया हमेशा से सोवरन है तो एस भी है ब्रिक्स भी है बिमस्टेक भी है ये भी एक कोलाबोरेशन है हमारा और इसमें हम अपनी ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे क्वाड को डायमंड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया एक बुक है रॉबर्ट कापलन का मोनसून मॉनसून मतलब रिवर्सल ऑफ विंड्स और ये हाईलाइट होता है इंडियन दिस साउथ एशियन कॉन्टिनेंट का इंडियन इंडियन इंडिया का हाईलाइट है दिस मॉनसून मॉनसून मतलब इंडियन ओशियन यूएसए इंडियन ओशन में बिगर रोल प्ले करना चाहता है रिवेंज ऑफ जोग्राफीज का सेकेंड पार्ट था इसमें यह बताया गया कि इंडिया को भी इन सब कंट्रीज़ का हेल्प ज़रूरी पड़ेगा कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन हो चाइना हो या फिर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हो एट्सट्रा हो तो जो ज्योग्राफिकल कंडीशन हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं सब कन्वर्ज हो रहे हैं ज्योग्राफी इज डेस्टिनी द वर्ल्ड इज अ अल एंड वी आर क्ले ज्योग्राफी डिसाइड करती है इंटरनेशनल रिलेशन को ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम फिर ये भी देखते हैं मैकेंडर थ्योरी हार्टलैंड थ्योरी की कैसे दिस जोग्राफी ने ही शेप किया इंटरनेशनल रिलेशन को पॉलिटिक्स को सो दिस इज आर्टिकल ये आर्टिकल लिखा था सुहासनी हैदर मैम ने वेरी वेरी गुड आर्टिकल देन फिर इसमें अगेन रेगुलर टॉक्स हैं बूस्टर शॉट होना चाहिए इंडियाज वैक्सीनेशन प्लान कोविड नाइन्टीन का वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने की जरूरत है दिस इज दोल्यूशन एल डी एफ मैनिफेस्टो लोकसभा बिल पास हुआ इट सीक्स हाउस इट सीक्स टू पुट सेवन कास्ट अंडर वन नॉमन क्लेचर विद एक्सेप्शन ये यूनियन सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत जी ने पास किया लोकसभा में दिस इज द बिल दैन दिस इज़ क्रैप एटीन एटी सिक्स लीज ऑन मुला पेरिया डैम मोर टूरिस्ट विजिटिंग कश्मीर गुड न्यूज़ कश्मीर में टूरिज़म बढ़ रहा है टूरिज़म बढ़ेगा मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पैरिटी आएगी आई टी रूल्स टारगेट डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्रोड्यूसर्स ये जो नए रूल्स आए हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहनी चाहिए मीडिया डिजिटल मीडिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का तो ये आर्ग्यूमेंट है कि दिस इज़ लाइक गवर्नमेंट टेम करना चाहती है डिजिटल मीडिया हाउसेस को ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सी ये जो भी इंडेक्स की रिपोर्ट आती है ना इसका अक्सर क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये इनके पैरामीटर्स थोड़े बाइज्ड होते हैं आप किसी भी चीज़ को एवेलुएट करते हो तो किन पैरामीटर्स पे करते हो वो पैरामीटर्स जो होते हैं वेस्टर्न लेड जो थिंक टैंक्स हैं इनके रिपोर्ट्स में वो फेवर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को तो उनकी पॉलिसीज़ उनकी थ्योरीज उनका वर्क पैटर्न उनकी रैंकिंग अपर आ जाती है और एशियन कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ ये पीछे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट क्वेश्चन ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैथड यहाँ पे पूछा इंडिया को रैंक कम मिला है नाइन्टी फोर्थ है आउट ऑफ हंड्रेड एंड सेवन विच इज़ नॉट गुड बट द पॉइंट इज हम अपने शॉर्टकमिंग्स को भी डिनाई नहीं कर सकते इंडिया में माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जो रिपोर्ट है इसमें अंडर नरिशमेंट चेक किया है कि जो पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है मतलब कैलोरिक इंटेक जो है वो इनसफिशेंट है प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रही तभी तो हम मिड डे मील स्कीम लाते हैं मिड डे मील स्कीम्स होती है बट कोविड नाइन्टीन हुआ स्कूल्स बंद हो गए मिड डे मील स्कीम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो अंडर नरिशमेंट वर्जन हो गया चाइल्ड वेस्टिंग हमारे यहाँ अक्सर देखते हैं हम चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ फाइव है वो आर वेस्टेड मतलब दे हैव लो वेट फॉर देयर हाइट उनका वजन ही नहीं बढ़ रहा है क्यों बिकॉज ऑफ दिस अंडर नरिशमेंट खाना ठीक नहीं है वजन नहीं बढ़ रहा है वेट नहीं बढ़ेगा तो फिर चाइल्ड वेस्टिंग कहलाता है चाइल्ड स्टंटिंग स्टंट मतलब हाइट कम है शेयर ऑफ चिल्ड्रन है एज ऑफ फाइव में जो स्टंटेड है मतलब लो हाइट फॉर देयर एज हाइट बढ़ने के लिए प्रॉपर डाइट होना जरूरी है कैल्शियम इंटेक होना चाहिए बोन्स बनती है तो अगर ये कम है नरिशमेंट नहीं है तो उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी ये भी फिगर इंडिया का अच्छा नहीं है चाइल्ड स्टंटिंग का हमारे यहाँ शॉर्ट हाइट का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि खाना अच्छा नहीं मिलता एज रिफ्लेक्टिंग क्रोनिक अंडर नरिशमेंट फिर चाइल्ड मोर्टैलिटी है दिस इज अंडर एज फाइव में इनएडिकुएट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरमेंट के कारण तो इन चार पैरामीटर्स के कारण हमारी रैंक आई नाइंटी फोर्थ आउट ऑफ हंड्रेड एंड सेवन दिस इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसकी वेबसाइट बहुत अच्छी है आई हैव टेकन दिस फ्रॉम इट्स वेबसाइट एक्सीलेंट वेबसाइट चाइल्ड मोर्टैलिटी चाइल्ड अंडर नरिशमेंट एंड इनएडिकुट फूड सप्लाई ये तीन ऐसे कंपोजिशन लिया है तीन डायमेंशनज एंड फोर इंडिकेटर्स वेस्टिंग और स्टंटिंग है अंडर नरिशमेंट से अंडर फाइव मोर्टैलिटी है और ये अंडर नरिशमेंट है इनएडिकुएट फूड सप्लाई है पॉपुलेशन पे बर्डन आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फुल नहीं हो पाते डेथ होती है ह्यूमन पॉपुलेशन लॉस होता है कैलोरी इंटेक होता है फिर चिल्ड्रन अगर वीक होते हैं तो फिर वो एडल्ट बन के भी दिस दिस काज प्रॉब्लम सो द पॉइंट इज we need to work on this nourishment hunger undernourishment malnutrition stunting wasting these things we need to take care covid 19 mein ye cheeze bahut bahut problem ho gaya hai inka version ho gayi hai deteriorate ho gayi hai but now is the time ki hum ispe work kare National Family Health Survey जो फाइव का preliminary report आया था final report may में, में आएगा इसमें भी सेम चीज़ यही कहा था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है स्कीम्स होती है दे अगेन एम्फेसाइज ऑन प्रायोरिटाइजिंग दिस थिंग एज अ जन आंदोलन स्टार्ट करें कि प्रॉपर नरिशमेंट होना जरूरी है अब इसका मतलब ये भी नहीं कि मोटे बना दे ओबेसिटी हो जाए नो नरिशमेंट मतलब होता है हेल्दी डाइट होना चाहिए बैलेंसड जिसमें कैलोरीज हो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी चीज़ें एक बैलेंस्ड हो वहाँ पे दिस इज द थिंग व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को सेंटर चेक चैलेंज कर रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में असम राइफल्स ने ये बैग्स ऑफ हेयर किया हमारा रिचुअल्स कस्टम्स होते हैं कि ये ऐसे हेयर डोनेट करते हैं और ये हेयर्स फिर क्या होते हैं ऐसे जैसे ये कहाँ से आ रहा है दिस असम awesome, तिरुपति बालाजी टेम्पल एट तिरुपति आंध्र प्रदेश से आ रहा है और इनका स्मगलिंग हो रहा था असम awesome, राइफ़ल्स ने इसको पकड़ा एम एम डी आर अमेन्डमेंट एक्ट जो है अभी दिस माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन एक्ट पास हो गया है लोकसभा से लेट्स वेट फॉर सम टाइम ये इंपॉर्टेंट एक्ट है दैन वैक्सीनेट फॉर वैक्सीनेशन सबको जरूरत नहीं है महाराष्ट्र में फिफ्टी परसेंट अटेंडेंस हो गया कोविड ने डबल कर दिया पॉवर्टी इन इंडिया सबसे बड़ा जो हमारा एनिमी है ना नो मैटर हु वी आर सबसे बड़ा एनिमी हमारा है पॉवर्टी जो सारी प्रॉब्लम है जैसे मल न्यूट्रिशन है अंडर नरिशमेंट है ये सब चीज़ें आती है बिकॉज ऑफ दिस पॉवर्टी एजुकेशन नहीं हो पाता है एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हो पाते हैं तो पॉवर्टी इज़ द रियल रियल कल्परेट जिसको हमें टारगेट करना चाहिए तभी हम गरीबी उन्मूलन आंदोलन चलाते हैं नरेगा जैसी स्कीम्स होती हैं ये सेफ्टी नेट होता है कि एटलीस्ट हंड्रेड डेज का एम्प्लॉयमेंट तो दे हम उन्हें कोविड दिस डबल पॉवर्टी इन इंडिया दिस इज मुंबई रेलवे इंश्योर करे वुमेन्स सेफ्टी सिक्योरिटी प्लान रोल्ड आउट सेक्शुअल असोल्ट ऑन ट्रेन एंड स्टेशन प्रेमाइस में सिक्योरिटी चेक सिक्स टाइगर्स मिसिंग इन रनथम्बो नॉट एट ऑल गुड्स रनथम्बो टाइगर रिजर्व है दिस इज यू एस चाइना स्पार एट अलास्का मीट ये जो चाइनीज डेलीगेशन था देवर सो वेल प्रिपेयर ये सब नोवाइस लग रहे थे यूएस वाले यूएस चाइना स्पार एट अलास्का मीट बाइडन ऑफिशियल्स ने ह्यूमन राइट इकोनॉमिक इशूज रेज किए चाइना साइड फायरस पैक देन एच आर सी श्रीलंका काफी होप ले बैठा है इंडिया सपोर्ट करेगा देन न्यू फेज है यू एस चाइना टाइस का कम्स विद टेस्ट फॉर चाइना चाइना अगेन हाउथी यमन में कोई पीस नहीं हो रहा है डब्ल्यू एच ओ ने रिन्यू कर दिया एस्ट्रा जेनेका वैक्सीन इज गुड ये तंजानिया तंजानिया में सामिया सुलुहु हसन ये फ्राइडे को स्वॉन इन हुई तंजानिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर प्रसर तंजानिया किस कॉन्टिनेंट में है टेल बॉन विजिलेंटीज कुलो बॉर्न रही है इक्विटीज ड्रिप हो रही है और ये आउटफ्लो हो सकता है एडवांस्ड नेशन्स फीलिंग वर्ल्ड ऑन क्लाइमेट चेंज अगेन जैसे अभी हमने देखा ना ग्रीन क्लाइमेट फंड जी सी एफ इसमें एडवांस कंट्रीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए दे डोंट डू और इसके कारण ये जो हंड्रेड बिलियन डॉलर का फंड बनाना था वो डिले होता जाता है और दिस कॉजेस ट्रबल क्लाइमेट चेंज फाइट में असली चीज़ ये है दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट दिस मॉनिटरी सपोर्ट दे वो इन दे डिनाई दे रन अवे फ्राम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज जी सै की इज ए राइज टू तो हाइस्ट लेवल ऑटो फॉर्म सीज स्क्रैपेज पॉलिसी स्क्रैपेज पॉलिसी जैसे बहुत पुराने इक्विपमेंट्स हो गए गैजेट पुराने व्हीकल्स हैं स्क्रैप करो उन्हें उनका रिन्यूएबल फी भी गवर्नमेंट बढ़ा रहा है ताकि जो नए व्हीकल्स आएंगे वो बेटर सेफ्टी होगा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी होगा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे ऑटो सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा सेल्स बढ़ेगी फाइव सेशन लॉन्ग स्ट्रीक खत्म हुआ एल आई क्लेम्स किया इंडिया टारगेट प्रोडक्शन दिस इज कल इंडिया अच्छा खेला

मोहल्ला फोला ओला मोहल्ला स्टार्टेड बाय श्री गुरु गोविंद सिंह जी और दिस इज दिस कम्स आफ्टर दिस होली पंजाब में ये फेस्टिवल हो रहा है होली भी आ रही है सो दिस इज द हिंदू ये इंडियन एक्सप्रेस है यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग किया अभी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जेम्स ऑस्टिन थ्री कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब सीनियर कोई ऑफिसर होता है ना तो उनके लिए कॉल ऑन के लिए जाते हैं उसको कॉल्ड ऑन बोलते हैं तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज सीनियर तो ये कॉल्ड ऑन ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जय शंकर कुरैशी साहब जय शंकर साहब एंड कुरैशी पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिग्नल अ पोटेंशियल रेडिकल शिफ्ट बाय आस्किंग न्यू दिल्ली टू जस्ट क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरमेंट एंड दिस दीज आर द डेवलपमेंट लेट सी नो चेंजेस फॉर पर्सनल चैट व्हाट्सएप ने क्लैरिफाई किया लोकसभा बिल आया है तमिलनाडु में एम अमेंडमेंट पास हो गया है वन थाउजेंड करोड़ रिफंड रिलीज हुए जावड़ेकर साहब ने कहा ये वन फिफ्टी सेवन वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए नेशनल प्लान है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इको सिस्टम एम ओ एक्वेटिक जैसे लैंड होता है एक्वेटिक पानी वाला वेटलैंड इंडिया में नंबर ऑफ वेटलैंड कौन सी है लेटेस्ट एडिशन कौन सा है कुछ ही दिन पहले हमने देखा वर्किंग ऑन न्यू टूरिज्म पॉलिसी टूरिज्म इज लाइफ नो रीजन टू डाउट वैक्सीन एफिकसी एडिटोरियल में फर्स्ट है जनरल आउटरीच कि पाकिस्तान ऑल दो यहाँ पे स्वीट टॉक्स हैं बट वेरीफाई बिकॉज इनकी कथनी करने में थोड़ा डिफरेंस होता है बट वी वी शुड लुक एट दिस विद अ पॉजिटिव माइंड सेट पीस डिविडेंड इज गुड जनरल आउटरीच देन द लास्ट नोट एंड फैटल कॉन्सिक्वेंसेज आइसोलेशन पॉलिसी के ये है कर्टेसी टी एम सी पुलिस एंड इम्प्यूनिटी दिस इज़ नो कंट्री फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब इन्फ्लेशन फोर प्लस माइनस टू परसेंट पर रखें बट हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं ना तो इससे ग्रोथ हेम्पर होती है बिकॉज इन्फ्लेशन के पॉजिटिवस भी होते हैं निगेटिवस भी होते हैं फॉर हैपियर वर्ल्ड लुक विद इन पीस लाइज विद इन दैन यू एस चाइना स्पा फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग था अंडर बाइडन प्रेसिडेंसी इट इज़ डेफिनेटली चाइना वन अप यूरोपियन कंट्रीज रिज्यूम यूज ऑफ एस्ट्रा जैनिका तालिबान में ये ऐसी बात हो रही है मॉस्को में तालिबान समिट और ये बाइडन हैरिस अंडरस्टैंडिंग वैक्सीन वेस्टेज वैक्सीनेशन वेस्टेज नहीं करना है वैक्सीनेशन भी एक्चुअली क्या है प्रॉपर टेम्परेचर में रखना है हैंडलिंग रखना है अदरवाइज वो वैक्सीन इन एप्लीकेशियस हो जाती है दिस इज डाइटम टेस्ट को कोवोवैक्स वैक्सीनेशन जल्द आने वाली है ये नई वैक्सीनेशन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको बनाएगा कुंभ क्राउड है सेंसेक्स ब्रेक ब्रेक्स लूजिंग स्ट्रीक गेन 1.3 परसेंट ऑन शॉर्ट कवरिंग गुड न्यूज दिस इज बायोफार्मा पी नोट्स हैं डी पी आई आई टी चेंजेस नॉर्म्स ऑन एनआरआई व्हाट्सएप कल काफी आउटेज था व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा चल नहीं रहा था दिस इज आई ओ सी व्हाट आर दिस पी नोट्स पी नोट्स क्या होते हैं पी नोट्स सी पी नोट्स का अगर डेफिनेशन देखें तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये इशू करता है रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफ रिलीज करता है इशू करता है पी नोट्स को किनको करता है एफ पी नोट्स इशू ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को मतलब ओवरसीज ये समुद्र है ओवरसीज मतलब बाहर वाले इंडिया के नहीं ओवरसीज़ इन्वेस्टर हु विशेज टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट तो कोई बाहर का कंपनी है इन्वेस्टर है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में फंड्स इशू फंड्स इन्वेस्ट करना चाहता है बट वो इंडिया के मार्केट में रजिस्टर नहीं करना चाहता तो उनके लिए जरिया होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स ओवरसीज़ इन्वेस्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है बट दे डोंट वांट टू रजिस्टर इन दिस सेबी सो फॉर दैट दिस इज़ पी नोट्स पार्टिसिपेटरी नोट्स तो जो एक एफ है वो इनको इनडायरेक्टली इशू करेगा दिस पार्टिसिपेटरी नोट्स तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर पाते हैं विदाउट रजिस्टरिंग दैमसेज इन टू द इंडियन रेगुलेटर दैट इज़ सेबी तो इसको क्या बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स ये हिंदी आर्टिकल है तीन सौ चौबीस इलेक्शन चुनाव कार्य के अधीक्षण निदेशन निदेशन की शक्ति चुनाव आयोग में विहित है चुनाव आयोग होगा थ्री टू फोर बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री इलेक्शन कमीशन किन किन चुनावों को कराता है अभी कुछ ही दिन पहले हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन देखा था अभी ये इलेक्शन कमीशन है सेंटर में तो स्टेट इलेक्शन कमीशन सेंट्रल तो क्या जो राज्यों के चुनाव है वो स्टेट कराएगा सेंटर लोकसभा का कराएगा ऐसा होता है क्या टेल सी सी कौन से इलेक्शन कराता है और स्टेट वाला कौन से इलेक्शन कराता है 325 में चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता तीन में लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे एडल्ट सफरेज पहले ये ट्वेंटी वन था बाद में ये एटीन हो गया किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ थ्री ट्वेंटी सेवन विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की संसद की शक्ति है थ्री ट्वेंटी एट में राज्य विधायिका के संबंधित राज्य के चुनाव के संबंध में जैसे अभी स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं थ्री ट्वेंटी नाइन में मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप पे रोक है चुनावी संबंधी मामलों में ये निरस्त हो गया है तो ये आर्टिकल्स हैं जिसमें मेंशन किया है इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन कमीशन जैसे ये थ्री ट्वेंटी सिक्स है ना इसमें राइट टू वोट दे दिया अब इससे डिटेल्ड प्रोविजन आएंगे आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी में आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और फिर ये लेजिस्लेशन उसको बहुत डिटेल में बताता है सो दिस इज हिंदी आर्टिकल आज सी सेट का पहला सवाल का जवाब बड़ा आसान था एक पर्सन को वन फोर्थ है उसको टोटल जो, जो भी टोटल नंबर था उसका वन फोर्थ एक पर्सन को मिला और वो तीन टाइम्स है एवरेज ऑफ अदर के Others का एवरेज क्या होगा हो गया। तो लेट नंबर ऑफ अदर्स है तो जैसे एक पर्सन है टोटल नंबर है एक पर्सन है एक पर्सन है और बाकी अदर्स हैं। तो इसको वन फोर्थ मिला टोटल का फर्स्ट पर्सन को जो टॉयज मिले वो वन फोर्थ थे टोटल के और जो बाकी लोगों को मिला तो उधर ये कंडीशन दिया है पर्सन एवरेज तो अदर्स का जो एवरेज था वो हो गया वन ट्वेल्थ अदर्स का एवरेज वन ट्वेल्थ हो गया ये वन बाय फोर था एंड थ्री टाइम्स वॉट अदर्स एवरेज तो वॉट अदर्स एवरेज क्या हो गया वन बाय फोर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स अदर्स का एवरेज तो अदर्स का एवरेज क्या हुआ तीन को इधर लाएंगे तो एक बाय बारह ऑफ होल हो गया अब एवरेज पता है नंबर से के है तो टोटल उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ के बाय ट्वेल्व तो के बाय ट्वेल्व का होल सम बाकी लोगों का हुआ जो एक पर्सन है उसका होल बाय फोर हुआ होल 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 कैंसल हो जाएंगे ये सारे होल मतलब वी से वन और हंड्रेड तो के इज इक्वल टू नाइन हो जाएगा तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए नाइन प्लस वन दैट इज टेन या रेशियो अगर हम अज्यूम करते हैं एक्स इज टू एक्स प्लस फोर्टी हो जाएगा बिकॉज डिफरेंस फोर्टी का है तो दैट इज गिवन टू बाई सेवन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन तो रेशियो कितना हो गया सिक्सटीन इज टू फिफ्टी सिक्स देन साइड अगर ए है क्यूब का तो एरिया सिक्स ए स्क्वायर होगा बिकॉज सिक्स साइड सिक्स फेसेस होता है वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब होता है अब एरिया ए डबल हो गया मतलब टू ए का स्क्वायर हो जाएगा मतलब फोर ए स्क्वायर हो जाएगा तो न्यू एरिया फोर टाइम्स हो जाता है बिकॉज स्क्वायर है सिमिलरली वॉल्यूम देखें तो टू ए का क्यूब हुआ मतलब एट ए क्यूब हो गया टू इंटू टू टू तो वॉल्यूम एट टाइम्स ओल्ड वॉल्यूम हो गया तो वेट क्या होता है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है वॉल्यूम एट टाइम्स हुआ तो वेट भी एट टाइम्स होगा दैट इज फोर्टी एट पाउंड थर्टी नाइन स्टूडेंट्स हैं रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू इज टू वन है राधिका की रैंक फिफ्टींथ है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप ऊपर से फिफ्टींथ है एट्थ है अमंग गर्ल्स फ्रॉम बॉटम और बॉटम से एट्थ है बट वो गर्ल्स की रैंकिंग में हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर बिलो राधिका तो कितने बॉयज़ हैं दिस रैंकिंग बताइए सेकेंड सिक्सटी फोर बॉयज़ हैं फोर्टी गर्ल्स हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सोशल वर्क

सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे सी सेट ये सॉल्यूशन था ये है निर्वाचन और निर्वाचन रिलेटेड आर्टिकल्स 324 ट्वेंटी फोर टू थ्री ट्वेंटी में है एडल्ट सफरेज 18 साल के हैं आप वोट डाल सकते हो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं दिस इज वेटलैंड मिस्टर ऑस्टिन प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन देन बॉन विजिलेंटी ट्रिगर्स आउटफ्लो रनथम्बॉर अलास्का मीट ये कोविड रेलवेज और ये इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेथड कुछ दिनों बाद इस पे अपन एक सवाल करेंगे दिस इज फोर्थ सी दैट इज चाइना चेजिंग पीस दिल्ली अंडरमाइंड ये है फैब्रिक मैप और आप बताओ टूरिज्म कैसे बेटर करें सेवंथ शेड्यूल आज प्रिपेयर करना है यू हैव लक्ष्मीकांत विद यू स्टडी एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन सो दिस दिसंटी ट्वेंटी दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ